नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन आज आपके लिए संस्कृत के 13 चंपू काव्यों का परिचय लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस से आप जुड़ सकें। देखते हैं संस्कृत के 13 चंपू काव्यों का परिचय। चंपू काव्य किसे कहते हैं इसको समझते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रित्यभिधीयते। गद्य पद्यमय काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, अर्थात जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है, बीच बीच में गद्य हैं, बीच बीच में पद्य हैं, उन काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। देखते हैं चंपू काव्य के प्रवर्तक। चंपू काव्य के प्रवर्तक हैं त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू, जिन्होंने पहला लिखा है। यह 10वीं शताब्दी में लिखा गया, 10वीं शताब्दी में प्रथम चंपू काव्य निकला जो कि त्रिविक्रम भट्ट ने निकाला, वह था नल चंपू, और इन्होंने चंपू काव्य का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 उच्छ्वास महाभारत के वन पर्व से यह लिया गया है। नल एवं दमयंती की इसमें कथा का वर्णन है। श्रृंगार रस प्रधान है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण इसमें अधिकतर हैं, और सभंग श्लेष अलंकार त्रिविक्रम का प्रसिद्ध अलंकार है। सभंग श्लेष का प्रयोग इन्होंने अधिक किया है। इसका अपर नाम हरिचरण सरोजांक काव्य भी है। नल चंपू का अपर नाम हरिचरण सरोजांक काव्य भी है। देखते हैं आगे, मदालसा चंपू। मदालसा चंपू भी त्रिविक्रम भट्ट ने ही लिखा है। यह मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है, अर्थात इसका उपजीव्य काव्य है मार्कंडेय पुराण। इसमें कोवलयास तथा मदालसा के प्रेम की कथा का वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवनधर चंपू। जीवनधर चंपू जैन कवि हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। उत्तर पुराण जीवनधर मुनि की कथा। उत्तर पुराण में जो जीवनधर मुनि की कथा का वर्णन है, उस कथा को जीवनधर चंपू में इन्होंने गुम्फित किया है। जैन धर्म के सिद्धांतों का सरलतया वर्णन भी इन्होंने किया है, जीवनधर चंपू जैन कवि हरिश्चंद्र ने। आगे देखते हैं, यशस्त तिलक चंपू जैन कवि सोमदेव सूरी जी ने लिखा है। यह 959 ईस्वी 8 आश्वास इसमें है। यशोधर चरित्र का वर्णन है इसमें, यशोधर चरित्र का वर्णन है। प्रथम 5 आश्वासों में यशोधर के 8 जन्मों की कथा का वर्णन है, और अंतिम 3 में जैन धर्म के उपदेशों का वर्णन है। अंतिम 3 में जो जैन धर्म के उपदेशों का वर्णन है, उस 3 निश्वासों को, आश्वासों को श्रावकाध्ययन भी कहते हैं। अंतिम 3 आश्वास को श्रावकाध्ययन भी कहते हैं, क्योंकि यह श्रावक के अध्ययन के योग्य है। आगे देखते हैं रामायण चंपू। धारा नरेश भोजदेव द्वारा लिखा गया यह रामायण चंपू, रामायण कथा पर आश्रित किष्किंधा कांड तक लिखा गया है। यह चंपू काव्य किष्किंधा कांड तक लिखा गया है। बाद में लक्ष्मण सूरी द्वारा युद्धकांड एवं वेंकटराज द्वारा उत्तरकांड भी जोड़ा गया। इस प्रकार रामायण चंपू जो भोजराज राजा भोज जो धारा नरेश के राजा थे, उन्होंने लिखा है। उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा के लेखक हैं कवि सोड्ढल। 8 उच्छ्वासों का वर्णन है। 11वीं शताब्दी में यह लिखा गया है। प्रतिष्ठान के राजा मलयवाहन एवं नाग राजकुमारी उदय सुंदरी के विवाह का ललित वर्णन इसमें है। ललित वर्णन मतलब सुंदर वर्णन इसमें है। बाण के हर चरित्र को आदर्श मानकर इस काव्य की रचना हुई है। कवि सोड्ढल ने बाण के हर चरित्र को पढ़ा और उन्होंने उस काव्य को आदर्श मान करके इस काव्य की रचना की तथा बाण की प्रशंसा भी की। आगे देखते हैं भारत चंपू। यह अनंत भट्ट कवि के द्वारा लिखित चंपू काव्य है। इसमें 12 स्तवक इसमें हैं। 1041 पद्य, 200 से अधिक गद्यांश इसमें हैं। वीर रस इसमें है, वैदर्भी रीति, महाभारत की कथा का संक्षिप्त वर्णन है। यह विशालकाय चंपू काव्य भी कहा जाता है। विशालकाय चंपू काव्य इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वर्णन है। 12 स्तवकों में 1041 पद और 200 से अधिक गद्यांश इसमें हैं। आगे देखते हैं आनंद वृंदावन चंपू। कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा गया यह चंपू, 16वीं शताब्दी में लिखा गया।
22 स्तवकों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें है। 22 स्तवकों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला चंपू है बरदाम्बिका परिणय चंपू। यह चंपू विजयनगर नरेश अच्युत राय की रानी त्रुमलाम्बा द्वारा लिखित है और इन्होंने स्वयं बरदाम्बिका तथा अच्युत राय के प्रणय परिणय का वर्णन है, अर्थात त्रुमलाम्बा बरदाम्बिका का ही नाम था, तो इन्होंने स्वयं और अपने राजा अच्युत राय के प्रणय परिणय प्रेम परिणय का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं वेंकटाध्वरी के चार चंपू काव्य हैं, वह हैं विश्व गुणादर्श चंपू, उत्तर चंपू, बरदाभ्युदय चंपू, श्रीनिवास चंपू। इस प्रकार ये 13 चंपू काव्यों का वर्णन हुआ। वेंकटाध्वरी के द्वारा चार चंपू काव्य लिखे गए, विश्व गुणादर्श चंपू, उत्तर चंपू, बरदाभ्युदय चंपू, श्रीनिवास विलास चंपू। दोस्तों यह वीडियो संविदा आदि सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको सीधे मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।